आज की पहली चार पंक्तियाँ पढ़ने से पहले मैं आज के समाज की कुछ सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम सभी कैसे पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाते जा रहे हैं, गले लगाते जा रहे हैं। हमने मदर्स डे, फादर्स डे मनाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जो माँ बाप का हर दिन, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं है जो माँ बाप का ना हो, हमने एक एक दिन फिक्स कर दिए हैं। तो उसी सच्चाई को लिखने की कोशिश की है और एक क्वेश्चन भी है सभी के साथ में, सुनिएगा। अगर चौथी पंक्तियों में आपको लगे कि मैंने कुछ लिखा है, सच्चाई उजागर की है, तो साथ दीजिएगा। मातृ और पितृ के दिन बनाए गए, कॉल मैसेज पे रिश्ते निभाए गए। मातृ और पितृ के दिन बनाए गए, कॉल मैसेज पे रिश्ते निभाए गए। धरती के देवता गर है माँ बाप तो, धरती के देवता गर है माँ बाप तो, वृद्ध आश्रम ये फिर क्यों बनाए गए। वृद्ध आश्रम ये फिर क्यों बनाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वैसे बेसिकली प्यार, इश्क और मोहब्बत पर लिखता हूँ, दर्द भी लिखता हूँ, तो उसी पर कुछ सुनाना चाहता हूँ कि एक पल में ख्वाब कैसे पूरे हो जाते हैं, उसको सुनिएगा। आँख से आँख के जब इशारे हुए, था वो पल जिस में हम तो तुम्हारे हुए। आँख से आँख के जब इशारे हुए, था वो पल जिस में हम तो तुम्हारे हुए। अब तमन्ना नहीं है किसी ख्वाब की, अब तमन्ना नहीं है किसी ख्वाब की। ख्वाब में तुम ही थे तुम हमारे हुए, ख्वाब में तुम ही थे तुम हमारे हुए। और जब ये ख्वाब पूरा होता है, इश्क परवान चढ़ता है, तब कैसी फीलिंग्स आती है वो लिखने की कोशिश की है, सुनेगा। कि दिल ने जिसको तराशा वो मूरत हो तुम, सांस की ही तरह एक ज़रूरत हो तुम। दिल ने जिसको तराशा वो मूरत हो तुम, सांस की ही तरह एक ज़रूरत हो तुम। जिस्म दो है मगर जान तो एक है, जिस्म दो है मगर जान तो एक है। आधे हैं बिन तेरे मेरी पूरक हो तुम, आधे हैं बिन तेरे मेरी पूरक हो तुम। और जब प्यार होता है तो साथ में दर्द भी आता है, और दर्द का कसूरवार हम आँखों को ठहराते हैं, तो कुछ वहाँ से लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। आँख से आँख की दास्तां पूछिए, पहले दीदार की वो खता पूछिए। आँख से आँख की दास्तां पूछिए, पहले दीदार की वो खता पूछिए। आँख चमकी थी एक आँख को देख कर, आँख चमकी थी एक आँख को देख कर। आँख से देखने की सजा पूछिए, आँख से देखने की सजा पूछिए। और अंतिम चार पंक्तियाँ, एक सच्चाई उजागर करता हूँ कि बड़े बड़े शायर हम सभी प्यार के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो मैंने एक सच्चाई लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। हर तरफ प्यार का गीत गाया गया, रब से ऊपर भी उसको बताया गया। हर तरफ प्यार का गीत गाया गया, रब से ऊपर भी इसको बताया गया। जिस
तरह से कलम ने लिखा इश्क को, जिस तरह से कलम ने लिखा इश्क को, उस तरह से न इसको निभाया गया, उस तरह से न इसको निभाया गया। एक बेबसी होती है जब भी हमसे कोई अलग होता है, तो उसको ना भुला पाने की एक बेबसी होती है, तो उसको लिखने की कोशिश की है। तरन्नुम मैं सुनाना चाहता था लेकिन मैं वैसे ही पढ़ता हूँ क्योंकि समय नहीं है। तुझे भूलने में खुद को नाशाद कर रहे हैं, मेरी बेबसी है ये कि तुझे याद कर रहे हैं। तुझे भूलने में खुद को नाशाद कर रहे हैं, मेरी बेबसी है ये कि तुझे याद कर रहे हैं। ये जानते हैं अब के ना आओगे दोबारा, ये जानते हैं अब के ना आओगे दोबारा, पाने की तुझको फिर भी फरियाद कर रहे हैं, पाने की तुझको फिर भी फरियाद कर रहे हैं। कुछ इस तरह से खोए तेरे ख्याल में हम, कुछ इस तरह से खोए तेरे ख्याल में हम, तुझसे ही तेरी बातें तेरे बाद कर रहे हैं, तुझसे ही तेरी बातें तेरे बाद कर रहे हैं। और थी तमन्ना यही कि आबाद होए हम भी, थी तमन्ना यही कि आबाद होए हम भी, तेरे हिज्र में यूँ खुद को बर्बाद कर रहे हैं, तेरे हिज्र में यूँ खुद को बर्बाद कर रहे हैं। और ये महफिल लगी हुई है, आप सभी की महफिल है, ये शेर आप सभी के नाम कि बैठे हो हम कहीं भी, महफिल हो या किसी की, बैठे हो हम कहीं भी, महफिल हो या किसी की, मेरे लफ्ज़ अगर हिले तो तेरी बात कर रहे हैं, मेरे लफ्ज़ अगर हिले तो तेरी बात कर रहे हैं। और आखिरी शेर सुनिएगा कि पढ़ना हो शेर कोई या कि कोई मिसरा, पढ़ना हो शेर कोई या कि कोई मिसरा, तुझे याद हर गज़ल में दिन रात कर रहे हैं, तुझे याद हर गज़ल में दिन रात कर रहे हैं, तुझे भूलने की कोशिश में नाकाम हो रहे हैं, मेरी बेवसी है ये कि तुझे याद कर रहे हैं। थैंक यू।